नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द HSC अड्डा में। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जैसा कि हमने बताया था, आज से हम जो अपना हरियाणा GK है उसकी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। और यह सीरीज़ जो अपना हरियाणा GK कंप्लीट तक जाएगी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, हम उतने ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे अपना जो स्टडी मटेरियल हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा का उदय कैसे हुआ था, उसका कार्यकाल कैसे रहा था, किस समय उसको क्या कहा जाता था, जैसे ऋग्वेद में क्या कहा जाता था उसको, जब हरियाणा गठन हुआ उसमें कितनी विधानसभा सीटें वगैरह थी। तो चलिए इसमें अपना शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। जब हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया वो आया था 1 नवंबर 1966 को, और ये आया था 20वें राज्य के रूप में। और अभी फ़िलहाल में हैं 22 ज़िले हैं और स्टार्टिंग में 7 ज़िले थे। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखने वाले हैं आगे। और जब हरियाणा बना था वो संशोधन हुआ था, वो हुआ था 18वां संशोधन, संविधान का संशोधन 18वां हुआ था। अब नाम आता है हरियाणा, हरियाणा के जो पीछे है, हरियाणा राज्य के पीछे कुछ नाम रहेंगे। अब ये तो नहीं है कि भी आज हरियाणा कहते हैं तो पहले भी यही कहते हों, उससे पहले यही कहते हों, नहीं। जो ऋग्वेद था उसमें कहा जाता था, उसमें कहा है, बताया है, राज हरियाणा बताया गया है हरियाणा को, कि राज हरियाणा नाम से जाना जाता था ये। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में बताया है कि सरस्वती और घग्गर नदी है जो, उनके बीच एक क्षेत्र बताया गया है हरियाणा को, और इसको ब्रह्मवर्त कहा गया है मनुस्मृति में। महापुराण में कहा है हरि का अरण्य कहा गया इसको, अरण्य का मतलब होता है निवास, और हरि का मतलब होता है भगवान, मतलब भगवान का स्थान जहाँ पे भगवान निवास करते हों, भगवान वास करते हों। सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत वाला, ये बहुदानक है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है महाभारत, ये कहा जाता है बहुदानक, महाभारत में बहुदानक कहा है। और कहा इसको कुरु जनपद। बहुदानक का मतलब होता है कि भाई भरपूर अनाज, बहुदना भूमि मतलब विशाल धन की भूमि, विशाल धन की भूमि, बहुत धन धान्य वाला हरियाणा को बताया है महाभारत में। जो हरिश्री तीर्थ उसमें बताया श्रीकंठ जनपद। और जो अभी अपना लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, और ये वाला है जो हरियाणा शब्द का, ये पूछा था उसमें। देखिए जो क्वेश्चन था उसमें उसका आंसर हमें नहीं पता, हमें कहीं नहीं मिला था उसका आंसर, लेकिन उसके बारे में, हरियाणा शब्द के बारे में ये तथ्य मिले हैं कि भी जो 1328 सीटें थी उसमें जो संस्कृत शिलालेख था एक, उसमें इसका हरियाणा शब्द यूज किया गया है, और ये दिल्ली के उसमें है, म्यूजियम में है। देखिए जब आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो आप जो उसका क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे एक लाइन छोड़ लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हमने, खुद तैयार किए हैं। देखिए कुछ आधुनिक इतिहासकार भी रहे हैं, हिस्टोरियन भी रहे हैं, उन्होंने भी हरियाणा को कुछ नाम दिया है, कुछ कहा है, उनमें से 3-4 नाम प्रमुख हैं। उसमें राहुल संस्कर्तायन आते हैं, इन्होंने हरिदानक कहा है इसको, हरियाणा को। HR गुप्ता हैं, इन्होंने आर्याना कहा, हरियाणा मतलब आर्यों का स्थल, आर्य जहाँ पर रहते हैं, आर्याना। यदुनाथ सरकार थे, उन्होंने हरियल कहा है। ये कुछ हिस्टोरियन हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं अपना इसका जो हरियाणा का उदय हुआ था। देखिए जो हरियाणा का राजकीय पक्ष वृक्ष है जो, वो पीपल है। राजकीय फूल है वो कमल है, और जो राजकीय पक्षी है वो काला तितर, पैट्रियज, ब्लैक फ्रेंकोलिन, ऐसे नाम चेंज करके दे देता है ये इस टाइप के, तो आप सारे नाम याद कर लीजिए। और जो पशु है वो आया था अपना अभी एग्जाम लैब अटेंडेंट का होता, ब्लैक बक, ठीक है, राजकीय पक्षी जो पशु है। अब हरियाणा का जो उदय हुआ था उसका प्रोसीजर देख लेते हैं, कब से क्या स्टार्ट हुआ था। देखिए जो हरियाणा का उदय है 1833 थी जो, उसमें इसको माना ये था उत्तर पश्चिमी प्रांत है जो अपना कानपुर है उत्तर प्रदेश का, उसका भाग माना गया है, उसका भाग था ये अपना 1833 में हरियाणा है जो। लेकिन जो 1858 आया, जब 1858 तो उसमें जब ब्रिटिश थे उन्होंने इसको हरियाणा को पंजाब में मिला लिया था, हरियाणा को पंजाब में शामिल कर लिया, और ये रहा अपना जो 1966 तक था उसका हिस्सा रहा था,
लेकिन 1947 में कुछ चेंजेस आए थे, अभी बताते हैं वो। 1925 आया, जब 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक दिल्ली अधिवेशन था, एक मतलब स्वागत समिति थी, एक उसकी अध्यक्षा की थी स्वागत समिति की परिजदा मोहम्मद हुसैन ने। उन्होंने हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग रखी थी, दिल्ली में मिलाने की मांग रखी थी। इससे पहले एक 1907 में लाला लाजपत राय ने इसको हरियाणा को अलग राज्य का मतलब हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए ये मांग उठाई थी 1907 में। सबसे पहले 1928 आता है 1925 के बाद, जैसे कि परिजदा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी, वैसे ही दिल्ली प्रदेश कमेटी थी, इसने भी यही मांग सेम मांग कि हरियाणा को दिल्ली में मिला ले, यही मांग दोहराई थी। 1947 तक ये जो पंजाब का हिस्सा ही था, तो 1949 में एक सच्चर फार्मूला आया, सच्चर जो अपने मुख्यमंत्री थे पंजाब के भीम सेन सच्चर, उनके नाम पे एक सच्चर सूत्र आया, सच्चर फार्मूला प्रस्ताव आ रखा गया था और इसको 1 अक्टूबर 1949 को लागू कर दिया। इसके अनुसार पंजाब था जो उसको जो लैंग्वेज है भाषा है उसके अनुसार दो भागों में बांट दिया, एक था उत्तरीय क्षेत्र, एक था दक्षिणीय क्षेत्र। उत्तरीय क्षेत्र में जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनको रखा गया था, और पंजाबी भाषा की जो गुरु लिपि है वो है गुरुमुखी है, और जो दूसरा क्षेत्र था वो था दक्षिणीय क्षेत्र। दक्षिणीय क्षेत्र के जो में थे जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें थे अपना जो लिपि है इसकी हिंदी की वो देवनागरी है, और दक्षिणीय क्षेत्र में आते थे अपने रोहतक अम्बाला का नारायणगढ़ था हिसार गुरुग्राम करनाल महेंद्रगढ़ पटियाला का एक हिस्सा था जींद की नरवाना तहसील थी एक शिमला था एक कांगड़ा था ये हिंदी क्षेत्र में आते थे अपने ये सारे जो हमने नाम बताए हैं अभी। 1953 में फिर जैसे कि ये भाषा वाला था ये सही नहीं था कि भाषा के आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा किया जाए राज्यों का बंटवारा किया जाए तो इसको ठुकरा दिया। एक पुनर्गठन आयोग 1953 में इसने इस पंजाबी विभाजन के मांग को ठुकरा दिया जो भाषाई आधार पर था। इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्ष थे वो थे फैजल अली थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी, कहीं कहीं पे 1955 भी है ये। फिर जो 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनकी अनुमति से एक अक्षेत्रीय फार्मूला लाया गया, अक्षेत्रीय फार्मूला गठन किया गया और 24 जुलाई 1956 को लागू कर दिया, 1956 को लागू कर दिया। फिर 1957 में जो पंजाब के जो सीएम वगैरह थे प्रताप सिंह कैरो थे, चुनाव हुए थे प्रताप सिंह कैरो आए, उन्होंने जो हरियाणा है उसमें पंजाबी लैंग्वेज है जो पंजाबी लैंग्वेज उसको अनिवार्य कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया। इसका विरोध किया हरियाणा वालों ने और उनको काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया। इसमें जो मेन थे जो मेन डिस्ट्रिक्ट आते थे जिनमें सक्रिय था ये थे रोहतक और हिसार, ये दो ज़िले थे। फिर 1960 में सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह, इन्होंने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था, पंजाबी सूबे की मांग की थी। फिर 1965 में इसी पंजाबी सूबे के लिए फतेह सिंह ने भी ये धमकी दी थी कि भी हम अपना सुसाइड कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे पंजाबी सूबे के लिए। आगे देखते हैं 1966 में फिर जेसी शाह आए थे, जेसी शाह कमीशन आया था, जेसी शाह सीमा आयोग आया था, उसके द्वारा हरियाणा की सीमा रेखा स्थापित की गई थी, हरियाणा और पंजाब की सीमा रेखा स्थापित की थी हरियाणा की। फिर इसके अनुसार ही 1 नवंबर 1966 को 18वें संशोधन के तहत हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। और जो इस कमेटी के जो जेसी शाह कमीशन था इसके सदस्य थे, तीन सदस्य थे, एक थे जेसी शाह जस्टिस जेसी शाह थे अपने, और एक एम फिलिप थे और एक एस दत्त थे, ये तीनों थे। जो मेन नाम आता है वो जेसी शाह ही आता है, बाकी नाम नहीं पूछे गए हैं अभी तक। और जब अपना ये बना था हरियाणा गठन हुआ था उस समय जो अपने राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन जब हरियाणा गठन हुआ उस समय कौन थे। तो हरियाणा गठन के समय जो हरियाणा में बने थे 7 जिले बने थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थी अपनी जो हरियाणा गठन हुआ, उसकी शॉर्ट ट्रिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी इसको रिवाइज करेंगे। देखिए वो शॉर्ट ट्रिक अपनी 7 जिलों वाली, माइकल जैक्सन का घर आप इसको याद कर सकते हैं, एम का एम ले माइकल का एम ले लिया, जैक्सन का जे, का के और घर पूरा लिख लिया GHER। देखिए माइकल से एम से महेंद्रगढ़, जे से जींद है अपना, के से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा और आर से है रोहतक,
और जब अपना ये बना था, ये गठन हुआ था, उसमें इन सातों में से जो सबसे बड़ा ज़िला था वो था अपना हिसार। हिसार सबसे बड़ा ज़िला था उसमें, और जो सबसे छोटा ज़िला था वो था जींद। फिर आगे आगे अभी जैसे पहले 7 थे, अभी 22 हो गए हैं। अब इनको तोड़ तोड़ के ये जो हैं, इनको तोड़ तोड़ के नए ज़िले बनाए गए हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा के हिस्से में जो भूमि आई थी, भाग आया था हरियाणा के हिस्से में, वो आया था 35.88% के आसपास आया था। और उस समय जब स्टार्टिंग में सीटें थी विधानसभा की, सीएम बनने के लिए जो सीटें होती है विधानसभा की, वो 54 थी। ये फिर बढ़ के 1967 में 81 हो गई थी, और 1977 से अभी तक 90 हैं, ये 90 प्लस में 1, ये से 90 हैं इसकी 1977 से। ये था आज की जो वीडियो का हमारा जो सेशन था, एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो है जो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी भाई बंधु है वो हमसे जुड़ सकें और हमारी जो ये हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है इसको सक्सेस बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।